देहरादून से खबर। कैबिनेट की बैठक शुरू, राज्य कैबिनेट की बैठक शुरू। सचिवालय में यह बैठक हो रही है। सीएम रावत, सतपाल महाराज, अरविंद पांडे यहां मौजूद हैं। मदन कौशिक साहब, राज्य मंत्री रेखा आर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक यहां जारी है। मुख्तलिफ मंत्री लोग यहां पहुंचे हुए हैं। सीएम रावत के साथ सतपाल महाराज, अरविंद पांडे मंत्री यहां मौजूद हैं। मदन कौशिक, राज्य मंत्री रेखा आर्य भी यहां मौजूद हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों में बजट सत्र की भी शुरुआत होनी है, उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक ली जा रही है। और यहां त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मुख्तलिफ मंत्री पहुंचे हुए हैं। सीएम रावत के साथ सतपाल महाराज हैं, अरविंद पांडे हैं। और चर्चा की जाएगी क्या कुछ कार्य योजना रहेगी, किस तरीके से बजट सत्र में मुख्तलिफ बातों को पटल पर रखा जाएगा, मुख्तलिफ मंत्रालयों से जुड़ी क्या क्या समस्या है। पंकज पवार इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। पंकज पवार, ये बताइए कि अब बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक, क्या मसौदा है इस बैठक का? देखिए, अगर कहा जाए तो तमाम मुद्दों पर आज कैबिनेट की बैठक चल रही है, अभी भी चल रही है बैठक। उसमें जो जिला प्राधिकरणों से जुड़े हुए जो परेशानियां थी, जो लोगों के लक्ष्य पास नहीं हो रहे थे, उसकी समिति ने आज कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और कैबिनेट उस पर मंथन करेगा कि क्या क्या छूट उसमें आम जनता को दी जा सकती है, वो छूट देने का प्रयास किया जाएगा आज कैबिनेट की। उसमें इसके अलावा एक पशुपालन से जुड़ा हुआ मसला है जिस पर फैसला हुआ है। इसके अलावा बजट को लेकर भी चर्चा हुई है इस सत्र, इस जो आने वाले विधानसभा सत्र में जो बजट आएगा उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मंत्रियों के सामने बातें रखी हैं कि कौन कौन सी चीजें इस कैबिनेट में, इस विधानसभा सत्र में रखी जा सकती हैं। तो इसको लेकर, बजट को लेकर भी चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं लगभग 7 से 8 प्रकरण हैं जिन पर आज चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में चल रही है। लगभग 5 मंत्री इस बैठक में शामिल हैं और उन पर ये चर्चा कर रहे हैं कैबिनेट के तमाम मुद्दों पर। जी बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।